क्या क्या शिकायतें हैं आपको? ये इनकी आदत है, ये हर चीज़ महंगी देते हैं, हर चीज़, किसी एक चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इनका। ये एक घंटे के लिए हटाए जाते हैं और उसके बाद दोबारा यहीं पर ही आके बैठ जाते हैं। इनके अंदर बड़ी ताकत है और माशाल्लाह बेइंतहा महंगा है इनका भी। अभी महंगी हर चीज़ महंगी है इनकी। अभी आपकी मौजूदगी में कौन को बोलेगा कि मैं चोर हूँ? कोई भी नहीं, कोई चोर थोड़ी बोलेगा मैंने चोरी की है। जी भाई, भाई जान दो मिनट के लिए इनकी बात का जवाब दे दो। खातून आपके इलाके की है, कस्टमर के बोलने से नहीं होगा ना, बाकी लोग तो हैं, बस किसी से पूछ लें आप, जो बताएंगे हम हाजिर हैं। एक मिनट, सामने की बिल्डिंग है ना, यहीं से बुलाती हूँ, सबर करो। आप यहीं से लेती मैडम से? जी हाँ। क्या हिसाब किताब? महंगा है, सस्ता है? सही, मुनासिब है। मुनासिब क्या होता है? नहीं, रेट जो नॉर्मल सब जब सब दे रहे होते हैं वही रेट इनके पास भी हो। वो कह रहे हैं कि सारे लोग जो महंगाई बेचते हैं, जो सारे रेट दे रहे हैं वो यही रेट दे रहे हैं, लेकिन बेहतर तो इसको वार्निंग दे देते हैं, तंबीह करते हैं, भाई आइंदा अपना रवैया ख़राब नहीं करना, एक कस्टमर बॉस होता है और रेट पे चीज। सर आपकी बात सही, हम मोहल्ले में खड़े हैं, 10 साल हो गए, हम किसी और की शिकायत कर रहे हैं आपके सामने? ये जरूरत भी किसी किसी को होती है, ये जरूरत भी किसी किसी को होती है कि वो आगे शिकायत करता है। सबसे ज़्यादा महंगी सब्जी देते हो आप? अच्छा, आप सबसे ज्यादा, इसीलिए नहीं लेती ना, यही वजह मैं इसलिए नहीं लेती हूँ आपसे, इसीलिए नहीं लेती हूँ। आप 10 रुपए वाली धनिया की गट्टी आप 20 रुपए की देते हो? नहीं, तुम बहुत महंगी देते हो, खत्म बात। जब आते हैं फायदा उठाया है, सजा कर बेचते हो, तुम जैसे तुम 24 बेच रहे हो, इसका बनाओ चालान बना। कमल और शादमान से ज्यादा के सामान लेकर आते हैं, अपना इलाका छोड़ के हम लोग पागल हैं, हम इसका एक चालान बना रहे हैं। बहुत ही ज्यादा महंगी, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, तो हटाओ पूरी रेडी है इसकी यहाँ से। हाँ सर, अपने अपने हिसाब दाम दे रहे हैं। प्याज 250 रुपये किलो वहाँ मिल रही है, कई 300 भी है लेकिन 250 रुपये देखते हैं आप, 240 ही मिल रही है प्याज, कोई नहीं पूछने वाला है। अब तुम्हारे खिलाफ तो बहुत सारे कंप्लेन आ गई बेटा, ये पूछे अफसर से। आपके इनक्रेजमेंट वाले किधर गए? आपकी तजादात वाले किधर गए? बुलाओ उनको जरा। कितने पैसे देते हो इन? कितने देते हो? फिलहाल तो क्यों नहीं आ रहा सर जी, आपको कोई ताल्लुक है यहाँ से? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाई, ये कानून है, चलान करना है। ठीक है, बात करें बात करें। ये कानून है, जो जुर्म करता है उसको पहले चलान किया गया, ये कानूनी तरीका है। मैं साल भर जुर्म करता रहूँ, एक बार चलान बनवा लूँ, मेरा सारा जुर्म सही हो गया? नहीं, अगर ये दोबारा करेंगे हम इससे ज़्यादा चलान लगाएंगे, इसका जवाब ही दे रहे हैं, आप सुने भी रहे हैं। एक बार चलान किया फिर करेंगे हम, ज़्यादा करेंगे चलान उसके बाद। यार आप मेरे ख्याल से मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, अपनी बात बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप बोलें, आप बात कर लें, इनकी बात कर लें। जिम्मेदारी बनती है, मौलेदारी है, मौलेदारी निभा रहे हैं, वो मौलेदारी निभा रहे हैं। कहाँ के तजाजात वाले किधर गए? क्या ये वो सारी शिकायतें कर रहे हैं कि जिनके इनका ठेका हटता है और फिर बाहर लग जाता है, कहाँ से? बफर रोड, वहाँ पे सही मिल रहा है। सर मैं बोला था कि जैसे उन्होंने बात बोली है तो आप चेक रीचेक कब करेंगे कि ये बंदा हम बार बार रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं? आपको भी पता, आप भी इसी कराची में, देखो सब ने दुकानें बंद कर दी है, सब चाहिए अंदर कर दिए। दो मिनट के लिए मेरी बात सुन लो जी सर, लेकिन आगे भी बढ़ना है। ओके ओके, ये चालान कर दिया उन्होंने, कंप्लेन का कंट्रोल नंबर का नंबर लो, अगर दोबारा ये करे आप नंबर कंप्लेन। हाँ, मुझे ये चाहिए था नंबर, लो ना यार। अभी देखे हम अभी आए हैं, हमें आधा घंटा लगा है कंप्लेन ढूंढने में। फिलहाल सर आपके सामने नंबर ले लो, मेरी बात सुने, आधा घंटा लगा, हमारा काम है हुक्म अज़ा, नमाज पढ़ने कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना मेरे भाई? वो बात नहीं है, हम सिर्फ निशानदेही पे आ रहे हैं। तो देखें रोज निकल रहे हैं, अब एक सब्जी वाले के रात आफ्टर मतलब के वो भी हम निकलते हैं, पर आप हालत देखें ना, हमें आधा घंटा लग रहा है कंप्लेन ढूंढने में, तो हमें कैसे पता चले कहाँ पे कंप्लेन है? लेकिन लोगों ने आज कोऑपरेट किया,
लोगों ने खुद भी कंप्लेन की है लोग। पहले नहीं की बाद में बाद में। हाँ सर, जरूरत करनी चाहिए सर, पहले उधर चलें। शॉप सील हो गई है और वो जो गोश्त वाला बंद करके भाग गया था उसको भी सील करना है। जी देख रहे हैं ये दुकान जो सील कर दी जिसपे के बहुत ज़्यादा मजामत कर रहे थे, मजामत करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने इसको बज़रकुवत जो है सील किया है और उसके सील के टैग भी लगे हुए हैं। और जिन जिन जगहों पे भी जो वायलेशन होगी उस पर ये सील। बिल्कुल सर, यहाँ पे थोड़ी मुजामत हुई थी तो हमने पुलिस में बुला ली और अब ये दुकान सील हो चुकी है। गवर्नमेंट की रेट को हम कायम करेंगे ताकि चीज़ें अशियाए खुदून और शवाम को सही रेट पर मिल सकें। ये दिखाना चाह रहे थे और हम चलते हैं आगे मज़ीद। ये तो फुटपाथ पे इनकी दुकान बनी हुई है, इसको तो सील भी नहीं कर सकते। बहुत महंगी है, किसको अब ये तो बहरहाल अब क्या कर सकते हैं इसको। ये मेरा फरार हो गया, भाग गया, सारी चीज़ें इसके सामान में मौजूद है। ये फुटपाथ पे उसने बनाई हुई है, इंक्रोचमेंट वाले हैं। हाँ, डायरेक्टर है, ये दोनों इलीगल शॉप से फुटपाथ पे बनाई हुई है। दोनों देख लेंगे दिन में, देख लेंगे महंगे रेट पे अशिया फरोख्त करें। हाँ बैठे भी फुटपाथ पे दिन में फुटपाथ। अच्छा, इसको सील भी नहीं कर सकते मैम, चबूतरा तोड़ देंगे ना इसका। वही मैं कह रहा हूं, सील भी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। चबूतरा तोड़। और दूसरी बात ये, वो ठेले वाले का क्या है, सब्जी वाले का? वो सब्जी वाले का, सब्जी वाला जो महंगा बेचता है उसका तो ठेला उठाया है ना, तराजू वगैरह उठा लिए ना उसके, वो भी हटवा दें, वो दोबारा नहीं। वो तो नवाशी चिप, तराजू नहीं उठाना, वो हटवा देंगे दिन में। रेहान साहब ये दोनों हटवाए, वो भी रेहान भाई बिल्कुल खत्म। मुझे तुम जानते नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, कल फिर आएंगे, मैं आऊंगा खुद, मैं पीछे लग जाऊंगा फिर दोनों हटवा देंगे। साहब को पता है, कह देते हैं हम, कोई बात नहीं, टलती नहीं है। मुझे भी पता साजा, मैं भी डील करता हूँ। नुमाशी तौर पर हम हट गए, उनका तराजू उठा के ले जाएंगे, शाम को वापस हो जाएगा। बिल्कुल खत्म कराएं, ये दोबारा नहीं लगना चाहिए। मैं खुद कल भी आऊँगा, परसों भी विजिट करूँगा रमजान में। जब इनका क्या कर रहे हैं आप, इनके सर खत्म करवा दिया इनके लिए, ये दुकान के लिए जो ये खत्म करवा रहे हैं, ये तजावजात है ना, तजावजात में आ रहे हैं, तजावजात में है। ये डिप्टी डायरेक्टर है हमारे केएमसी के, एंटी इंक्रोचमेंट, ये इसको बिल्कुल रिमूव कराएंगे। ये इलीगल शॉप्स हैं, एक तो इंक्रोच करके बैठे हुए हैं इलीगली, दूसरा महंगी चीज़ें भी बेच रहे हैं, इन दोनों को हम खत्म करा रहे हैं। चले जी, अच्छी बात है, देख रहे नाजिन की वो दुकान भी फुटपाथ पे। और मजे की बात ये है कि ये महंगा बेच रहा था, जब हम यहाँ पे आए हैं दुकान खाली है, अब इससे सील भी नहीं कर सकते ना, इसे अगर कोई तादीबी कार्रवाई हो सकती है। अब वही है कि डिप्टी डायरेक्टर रेहान साहब जो इंक्रोचमेंट के हैं, वो कुछ मेहरबानी करेंगे तो लोगों को मदावा होगा। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने आज बाहर रमजान मुबारक में नॉर्थ अहमदाबाद सब डिवीज़न पे हमने दौरे किए और प्राइस चेकिंग के हवाले से। सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर इमरान सोलंकी मेरे हमरा थे और इमरान सोलंकी ने जो भी कार्रवाई की वो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाई है। मैं इनसे एक समअप करना चाहूँगा कि इसको किस तरह समअप करेंगे कि आज आपकी जो हमारा विजिट था उसके क्या तासुरात। सर जैसे कि आप भी हमारे साथ चले, ये सिर्फ आज का नहीं, हमारा रोज़ का काम है। हम रोज़ ही जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जो भी प्राइसेस गवर्नमेंट नोटिफाइड हैं वो इन्फोर्स हों और गरीब लोगों को जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको सही रेट्स पे सारी चीज़ें मिलें। स्पेशली जो अशिया खुर्दनोश हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनको रेट पे जो कमिश्नर नोटिफाइड रेट्स हैं उन्हीं पे गवर्नमेंट रेट्स पे लोगों को मुहैया की जाए। अच्छा, लोगों की शिकायत है कि जब हम मौजूद होते हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाती है, उसके बाद जब हम आप चले जाते हैं तो उसके बाद जो चीज़ें महंगी हो जाती है, और कंट्रोल पे भी अगर शिकायत करने के बावजूद जो कोई मदावा नहीं। सर जैसे कि आपने देखा, एक सब्ज़ी वाले के पास हम गए तो हमें आधा घंटा लगा कोई शिकायत ढूंढने में, हमारे जाने के बाद वो रेट लिस्ट लगा के बैठा था, कोई उसके खिलाफ़ शिकायत करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आधे घंटे बाद जब लोग आए शिकायत की तो हमने उसके खिलाफ़ कार्रवाई की। इसी तरह हमारे नंबर्स हैं, रोज़ अखबार में आते हैं, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी, कमिश्नर साहब के कंट्रोल के नंबर्स हैं कमिश्नर ऑफिस के, उनकी तरफ से भी कोई भी छोटी सी भी कंप्लेन हो तो हमें डायरेक्शंस आती हैं और हम उसी टाइम पे जितने प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो सारे निकल जाते हैं। इसी तरह हमारे पास कंप्लेंट्स कम है लेकिन हमारे विजिट्स ज़्यादा होते हैं। अगर कहीं पर महंगी अशिया बिक रही हैं तो हमें कंप्लेंट नंबर्स पर हमें इन्फॉर्म किया जाए, हम वहाँ पर जाएँगे, कार्रवाई करेंगे और बार बार जाएँगे जब तक ये चीज़ें जो है सही रेट पे नहीं मुनासिब रेट पे लोगों को। आपने इमरान सोलंकी साहब की तासुरात सुनोगे और मेरा अपना ख्याल है कि हम इन्होंने साबित भी किया है कि इन्होंने पहले ही ब्यूरो सप्लाई वालों को भेज के जिन जिन जगहों पर शिकायतें थी उनके रेट लिस्ट मुतरतब करी थी, उसके हिसाब से फिर हम दुकानों पे गए। लेकिन बहरहाल
बात ये होती है आवाम को भी थोड़ा बहुत जो है हमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। जिस तरह के आज दो खवातीन ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और उन्होंने निशानदेही की, आई थिंक सो कि उनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला हम आवाम के साथ हैं उनकी गांव कंप्लेन पे, मजिस्ट्रेट साहब के साथ हम हैं और ये भी वही काम करना चाहते हैं जो हम काम कर रहे हैं। हमें आपका ताबून चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल किसी और मार्केट में आपसे मुलाकात होगी।